हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाउंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm ऑफ अ सर्टेन सिटी। किसी शहर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हवा के अंदर कितनी है, ये पता करने के लिए एक स्टडी की गई। और ये ppm जो आप देख रहे हैं, ये ppm के अंदर ही फाइंड की जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन। द डाटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। ये स्टडी 30 दिन तक चली और जो डाटा निकला वो आपके सामने है। फर्स्ट में पूछा है, मेक अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा। इस डाटा का एक ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए विथ क्लास इंटरवल्स एज 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08 एंड सो ऑन। इतने इतने इंटरवल के आपको यहाँ पे इतने इतने गैप के इंटरवल्स रखने हैं जो आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखेंगे। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब हम तब देंगे जब ये टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाने के लिए तीन बॉक्स आपको बनाने हैं। पहले में आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिखाया गया है, कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm। दूसरे में टैलीमार्क्स। टैलीमार्क्स रफ तरह का काम होता है, पहले हम रफली एंट्रीज को यहाँ पे पुट करते हैं, एंटर करते हैं देख देख कर, और फिर फाइनली उनको जोड़कर फ्रिक्वेंसी वाले बॉक्स में फेयर लिख देते हैं। अब जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले ये जो इंटरवल है ना, इसको आप पूरे को तैयार कर लेंगे। यहाँ जो इंटरवल आपको दे रखे हैं ये 0.04 के गैप के दे रखे हैं। अब शुरू होगा इंटरवल 0 से, तो 0.00 से 0.04, तो नेक्स्ट इंटरवल इससे 0.04 से 0.08 हो जाएगा, फिर 0.08 से 0.12 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मैं बार बार पॉइंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलने में और फिर एंट्री करने में इसमें गलती हो सकती है, क्योंकि पॉइंट के बाद सभी के अंदर यहाँ पे दो डिजिट्स हैं। तो मैं इसको सिंपली ऐसे बोल दूंगा 3, इसको 8 बोल दूंगा, इसको 13 बोल दूंगा, इसको 22 बोल दूंगा, और इंटरवल के लिए मैं यूज कर लूंगा जैसे 8 और 12 के बीच में, 12 और 16 के बीच में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यहाँ पहले आप इंटरवल बना लेंगे बराबर बराबर गैप के, 0.24 तक मैंने लिया है क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं। अब एंट्री करना शुरू करते हैं, तो यहाँ मैं 0.03 की जगह 3 बोलूँगा, तो ये 3 हुआ, तो 3 किसके बीच में आएगा, 0 के और 4 के बीच में आएगा, तो इसकी एंट्री मेरी यहाँ पे होगी। और यहाँ एंटर करते ही मैं इसे मार्क भी कर दूंगा ताकि गलती से मैं इसको दोबारा से ना उतार दूं। अभी मैं यहां देख रहा हूं कि ये 8 है, तो 8 आएगा 8 और 12 के बीच में, यहां पे भी 8 है लेकिन ये अपर लिमिट में है। याद रखना, जब भी आपका इंटरवल हो, यहां पे 8 है तो 8 वाली जो एंट्री है वो यहां नहीं होगी, यहां सिर्फ 7 तक के नंबर आएंगे। 8 यहां से शुरू हो रहा है तो लोअर लिमिट में इसको इंक्लूड किया जाता है, तो ये 8 है तो ये 8 से 12 वाले इंटरवल में आएगा। फिर से 8 आ गया, ये भी आपका 8 टू 12 वाले इंटरवल में आएगा। इसके बाद ये 9 आ गया, 9 आएगा 8 और 12 के बीच में। फिर 4 आ गया, 4 आएगा 4 और 8 के बीच में, क्योंकि यहां नहीं आएगा, ये अपर लिमिट है, तो 4 और 8 के बीच में ही यहां पे 4 लिया जाएगा, इस इंटरवल के अंदर 4 की एंट्री होगी। फिर हो गया 17, 17 16 और 20 के बीच में लाई करता है, इसकी एंट्री यहां होगी। फिर है 16, 16 16 और 20 वाले इंटरवल में लाई करेगा। फिर है 5, 5 लाई करेगा 4 और 8 के बीच में। फिर है 2, 2 लाई करेगा 0 और 4 के बीच में। फिर है 6, 6 लाई करेगा 4 और 8 के बीच में। फिर है 18, 18 लाई करेगा 16 और 20 के बीच में। फिर है 20, तो 20, 20 से 24 वाले जो इंटरवल है इसमें लाई करेगा। इसके बाद 11 है, ये 8 और 12 के बीच में लाई करेगा। फिर 8 है, ये 8 से 12 वाले इंटरवल में आएगा। यहां पे 4 हो गए हैं ना, तो 5वां मैं ऐसे लगाऊंगा, इससे 5 का सेट बन जाता है। नेक्स्ट है 12, 12 आएगा 12 और 16 वाले इंटरवल में। फिर 13 है, 13 12 और 16 के बीच में आता है, तो इस इंटरवल में लाई करेगा। 22 है, 22 20 और 24 के बीच में आता है, तो ये इस इंटरवल में लाई करेगा। 7 है, 7 आता है 4 और 8 के बीच में, तो ये इस इंटरवल में लाई करेगा। 8 आता है 8 और 12,
इस वाले इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहाँ तो आएगा नहीं, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट वाले में आएगा। यहाँ 5 हो चुके हैं तो अलग में यहाँ थोड़ा दूर बनाऊंगा ऐसे। फिर 1 है, ये 0 और 4 के बीच में आता है तो यहाँ एंटर होगा। ये 10 है, 10 आता है 8 और 12 के बीच में तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। 6 है, 6 आता है 4 और 8 के बीच में तो इसकी एंट्री इस वाले इंटरवल में होगी। यहाँ पे 4 हो गए हैं तो पांचवा मैं ऐसे बनाऊंगा। फिर 9 है, 9 8 और 12 के बीच में लाइक करता है तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। फिर 18 है, ये 16 और 20 के बीच में लाइक करता है तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। 11 है, 11 8 और 12 के बीच में लाइक करता है तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। ये 7 है, 7 4 और 8 के बीच में आता है तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। 5 है, 4 और 8 के बीच में लाइक करता है 5 तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। ये 7 है, 7 4 और 8 के बीच में लाइक करता है तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। ये 1 है, ये 0 और 4 के बीच में लाइक करता है तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। ये 4 है तो 4 आएगा 4 और 8 वाले इंटरवल में, क्योंकि यहाँ भी 4 है, ये तो अपर लिमिट होगी ना, तो 4 अगर आता है आपका तो वो 4 से 8 वाले में इंक्लूड किया जाएगा, इसकी एंट्री यहाँ पे होगी। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि मैंने पॉइंट नहीं बोला, बार बार पॉइंट बोलने से कोई फायदा नहीं था, सारी वैल्यूज पॉइंट के अंदर है। तो बेसिकली यही ध्यान देना है आपको, जैसे 0 से 4 के बीच में वो नंबर आते हैं जो 0 1 2 या 3 हो, ये जो 4 वाला है ना ये नेक्स्ट में आता है कि 4 से 8 में, यहाँ पे आपका 4 5 6 7 आएंगे, 8 भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान देना होता है इंटरवल्स के अंदर। अब ये तो हो गया मेरा रफ काम टैली मार्क्स, यहां से देख के मैं फाइनल वैल्यूज फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में उतार लूंगा। तो फर्स्ट इंटरवल में यहां पे 4 आ रहे हैं, ऐसे 4 डेज थे जब सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.00 और 0.04 के बीच में लाइक करी। फिर नेक्स्ट जो इंटरवल है उसके लिए वैल्यू आ रही है 9, नेक्स्ट इंटरवल के लिए वैल्यू आ रही है 9, ये 5 और ये 4 9, नेक्स्ट के लिए 2 आ रहा है और यहां पे फिर ये 4 आ रहा है और यहां पे ये 2 आ रहा है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, इनका जो टोटल है वो भी उतना ही आना चाहिए जितने दिन की यहां बात चल रही थी, तो टोटल इनका 30 ही आना चाहिए। तो 9 9 18 20 और ये 28 और ये 30 आ गया, यानी कि सारी एंट्रीज ठीक हुई हैं। फर्स्ट तो हमने कर दिया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था ये हमने बना दिया। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे कितने दिन थे जब सल्फर डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.11 से ज़्यादा थी। तो यहाँ 0.11 देखेंगे कि हमारा कहाँ पे है। देखिए इस इंटरवल पे ध्यान दीजिए, 0.08 0.12 यहाँ पे जितनी भी यहाँ तक की जितनी भी एंट्रीज हुई हैं ना, यहाँ से ऊपर ऊपर ये वो सारी हैं जो 11 से, मतलब या तो 11 है या 11 से कम है, क्योंकि 12 वाला भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, यहाँ सिर्फ 11 तक के होंगे। तो यहाँ तो 11 तक के हैं और 11 से जो ज़्यादा है ना वो नीचे हैं यहाँ पे। तो 11 से ज़्यादा यहाँ पे ये मैं डेज गिन लेता हूँ, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गए हैं पूरे के पूरे 8 डेज। ये 8 दिन ऐसे हैं जब 0.11 से वैल्यू ज़्यादा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का 8 डेज। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।